सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल शालूज लव बुक को और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं बच्चों के टिफिन के लिए गेहूं से बना हुआ नाश्ता लेकर आई हूं। बच्चे रोटियां खाते खाते और पराठे और पूड़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं। हम रोज मदर्स, जो इंडियन मदर्स होती हैं, ज़्यादातर हम पूड़ी और सब्जी या फिर पराठा सब्जी बच्चों को रखते हैं, तो वो खाते खाते बोर हो जाते हैं। पर हम कुछ न्यूट्रिशन भी रखना चाहते हैं कुछ न्यूट्रिशनल खाना हो जो हम बच्चों को टिफिन में परोसें। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो गेहूं के आटे से बनी होगी, जिसमें बहुत सारी सब्जियां जाएंगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, कुछ डिफरेंट उनको लगेगा। केचप के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ गेहूं के आटे से आप कैसे मिनी उत्पम बना सकते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। आप अपने बच्चों की पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो घिसकर आप इसमें गाजर यानी कि कैरेट डाल सकते हैं, प्याज भी आप इसमें काट कर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लगभग 1/4 टीस्पून के करीब आप इसमें हल्दी पाउडर डाल दें, और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको तीखा नहीं बनाना है, इसलिए गरम मसाला कम डालें। मिर्च हम इसमें अवॉइड करेंगे, ना ही रेड चिलीज डालेंगे, ना ही हम ग्रीन चिलीज डालेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे जल्दी जो है मिर्च नहीं खाते हैं, इसलिए हम चिलीज को अवॉइड करेंगे। तो अब हम इसमें इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम गाढ़ा घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, जिस तरह से उत्पम का बैटर होता है तो उस तरह से हमें इसका गाढ़ा घोल बना लेना है। तो इस घोल को बनाने में हमें लगभग सेम क्वांटिटी में यानी कि 1 कप के करीब ही पानी लगा है। तो घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि कुकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा डाल दें आप इसमें, या जो खाने वाला सोडा होता है कोई भी आप डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून आप इसमें, यानी कि इतना लगभग आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इतना आपको इसमें बेकिंग सोडा डालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं, पर अगर आप इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा ये एक इंस्टेंट फर्मेंटेशन आ जाता है, और जो मिनी उत्पम है हमारे गेहूं के आटे से बने, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया हमने हल्के हाथों से। अब ये देखिए, नॉनस्टिक तवा हमने लिया है, इसको हम हल्के हाथों से ग्रीस कर लेंगे, बहुत हल्का सा ग्रीस करना है। कुछ बूंद आप तेल के डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और जब ये जो घी है गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे थोड़े से राई के दाने। तो ये देखिए, बड़ी वाली राई के दाने मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हम इसमें डालेंगे, और जब ये चटक जाएंगे तब इस पर हम उत्पम अपने फैलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बड़ी वाली राई का यूज़ किया, आप चाहे तो छोटी वाली राई का भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने और देखने दोनों में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो राई है वो चटकने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने घोल बनाकर रखा था, उसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद में हम इससे इस तरह से चम्मच की हेल्प से इस पर मिनी उत्पम फैलाएंगे। तो ये देखिए, ये घोल है, इसको हम एक बार मिक्स करेंगे इस तरह से, हमने इसको मिक्स कर लिया है। चम्मच आप ले लें, कोई भी बड़े साइज़ की आप चम्मच ले लें, और जितने बड़े भी आप उत्पम फैलाने चाहें उतने बड़े आप फैला दें। तो जो स्टैंडर्ड साइज़ की स्पून होती है जिससे हम खाना खाते हैं, वही मैंने ली है। तो ये देखिए, छोटे छोटे आप इस पर आप इस तरह से उत्पम फैला दें, बहुत बड़े साइज़ के हमें नहीं फैलाने, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो साइज़ को देख के बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होते हैं। अगर आप उनको बड़े बड़े बनाकर देंगे तो वो शायद ना खाएं, पर अगर आप उनको छोटे छोटे बनाकर देंगे तो वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैं अपने बेटे को इसी तरीके से बनाकर छोटे छोटे उत्पम बनाकर रखती हूँ, तो वो टिफिन में रखती हूँ तो वो खा लेता है, और उसको केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो ये देखिए, आँच मैंने मीडियम करके रखी हुई है, तो मीडियम आँच पर इस तरह से आप फैला दें। आप देख सकते हैं कितने सारे उत्पम एक साथ आ गए हैं, और इतना अगर बच्चा खा लेता है या इससे कम भी खाता है तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी हो जाएगा उसके लिए। और रोटी और पराठे या पूड़ी अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो टिफ़िन खाली आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो ये देखिए, इसको आप इस तरह से सिकने दें, आप देख सकते हैं इसमें 6 छेद आ गए, ये जो सोडा हमने डाला था उसकी वजह से आए, इसको इंस्टेंट फर्मेंटेशन मिल गया था। तो नीचे से हम अच्छे से सिकने देंगे, जब ये नीचे से सिक जाएंगे तब इसको हम पलट देंगे। चाहे तो थोड़ा सा घी या तेल और डाल सकते हैं, कुछ बूंद तेल या घी आप और डाल दें तो इसमें और अच्छे से कलर आएगा। तो मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ डालना। इवन इसको बड़े भी खा सकते हैं आप, टिफिन में बनाकर ले जा सकते हैं, चाहे तो इसको आप ये बाइट साइज पीस ही रखें, या चाहे तो थोड़े से बड़े पीस में इसको बनाकर आप टिफिन में ले जा सकते हैं ऑफिस में। मेहमानों के आने पर भी आप इसको, छोटे साइज के हैं तो बहुत क्यूट से लगते हैं, तो आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी आप इसको सिकने दें, लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा, नीचे से भी ये सिककर रेडी हो जाएंगे, और उसके बाद आप इसको परोसे गर्मा गर्म, या फिर आप इसको बच्चों के टिफिन में बनाकर रखें।
तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी यह मिनी उत्पम की रेसिपी जो कि हमने गेहूं की आटे से बनाई है पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बाय।